खुशियों, रंगोलियों और रोशनी का त्योहार दीपावली आने ही वाला है। आप सभी ने इसकी तैयारियां शुरू भी कर दी होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, दीपावली की शुरुआत हो जाती है धनतेरस के आगमन से। धनतेरस इस 5 दिन के त्योहार का पहला दिन होता है और धनतेरस सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कथा है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है, यह बहुत कम लोगों को पता होगा। कार्तिक माह की कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व के पीछे मान्यता है कि इस दिन सागर मंथन के समय हाथों में अमृत कलश लिए भगवान विष्णु ही धन्वंतरी जी के रूप में प्रकट हुए थे। इस विषय में विस्तार से पुराणों में कहा गया है कि श्रीमद् भगवत पुराण कि उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। वे साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक यानी के जनक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी नाम से सुप्रसिद्ध हुए। भरवेवत पुराण में श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान धन्वंतरी स्वयं महान पुरुष है और साक्षात नारायण के अंश स्वरूप है। पूर्व काल में जब सागर मंथन हो रहा था, उस समय महासागर से उनका प्रादुर्भाव हुआ, अतएव भगवान विष्णु के धन्वंतरी रूप में प्रकट होने पर इसी दिन धन्वंतरी जी से स्वास्थ्य व धन संपत्ति में वृद्धि की प्रार्थना की जाती है। साथ ही इस दिन नए बर्तन व आभूषण लेने की भी मान्यता है। एक और कथा के अनुसार प्राचीन काल में हीम नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्हें विवाह के वर्षों बाद पुत्र रूप में संतान प्राप्त हुई। छोटे राजकुमार को जब ज्योतिषियों ने देखा तो कहा कि विवाह के 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। समय बीतता गया और राजकुमार ये सब भूलकर एक सुंदर कन्या से गंधर्व विवाह कर लिया और विवाह के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस पर उसकी पत्नी ने बहुत विलाप किया, जिसे देखकर यमदूतों ने यमराज से यह प्रश्न किया कि महाराज, ऐसा कोई उपाय है जिससे किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु ना हो? तो यमराज ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जो मनुष्य कार्तिक माह की कृष्ण त्रयोदशी को अपने घर के दक्षिण दिशा में दीप प्रज्वलित करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। इसीलिए धनतेरस की संध्या वेला में घर की दक्षिण दिशा में यमराज को दीप दान की मान्यता भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? इसका जवाब हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने चाहने वाले को ये जानकारी देने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल ओनली फेट्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।